हेलो दोस्तों, आज का वीडियो कोई एआई टूल के बारे में नहीं है। तो इस वीडियो में हम यूट्यूब का जो मोनेटाइजेशन है उसको हम क्लोजली देखने वाले हैं। आपको यूट्यूब के अंदर कई सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो बताएंगे कि मेरा इनकम कितना होता है यूट्यूब से, ये देखो वो देखो, बट कोई आपको प्योरली अपना चैनल नहीं खोल के दिखाता है। तो हम उसी टॉपिक के ऊपर कि कितना आपको पैसा मिलता है फर्स्ट जब आपका चैनल मोनेटाइज होता है, कैसे मोनेटाइज होता है, वो सब हम बात करने वाले हैं। और एक चैनल का पूरा रिव्यू भी करने वाले हैं, जो एकदम नया चैनल है वहां पे कितना व्यूज आते हैं, उतने व्यूज में इतना आपको इनकम मिलता है, वो भी हम पूरा बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो एंड तक जरूर बने रहे क्योंकि काफी कुछ आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और मोनेटाइजेशन होने के बाद क्या क्या चेंजेस आता है ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ने से पहले हमारा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, @growwithlehar, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाए और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि डेली अर्निंग कंटेंट के साथ साथ रोज अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी आते रहती है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो जाके अभी कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी हम एग्जाम्पल के लिए एक चैनल लेने वाले हैं जो 2 साल से मोनेटाइजेशन में है, बट वहां पे ना वीडियोस जाते हैं ना कुछ जाते हैं। तो उस चैनल में मोनेटाइजेशन होने के बाद कैसा चैनल दिखता है, क्या क्या वीडियोस वहां पे अपलोडेड है, कितना व्यूज आया है और कितना रेवेन्यू हुआ है उन वीडियोस में से, तो वो भी हम अभी देखने वाले हैं। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं चैनल के अंदर। चैनल का नाम है आकाश दत्ता म्यूजिक। ये मेरा खुद का चैनल है जो पर्सनल है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा 919 सब्सक्राइबर्स है। और आप सोच रहे होंगे कि क्यों मोनेटाइज्ड है। ये 2 साल पहले ही मोनेटाइजेशन में चला गया था, तो इसलिए ये अभी तक मोनेटाइजेशन है। एंड मेरा सब्सक्राइबर्स पहले 2000 से ऊपर था, बट अभी 919 है बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी। तो यहाँ पे मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप कंसिस्टेंट रहे। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो YouTube आपका चैनल को फीचर नहीं करेगा, ना ही आपका चैनल को रैंक करेगा। तो अभी चलिए कंटेंट में देखते हैं। कंटेंट में जाते ही आप देख सकते हैं काफ़ी सारे वीडियोस यहाँ पे अपलोडेड है। तो पहले आप देख सकते हो व्यूज़ मेरा 16,000-17,000 आता था। देख सकते हो कितना आता है, 79, 50, 20, इतना भी व्यूज़ आता है। अभी जैसे कि मैं शॉर्ट्स देना चालू किया हो, तो शॉर्ट्स में आप देख सकते हो लास्ट 4 शॉर्ट्स अपलोडेड है, 5, 6, 7 शॉर्ट्स अपलोडेड हैं। शॉर्ट्स में मुझे कितने व्यूज मिले हैं एंड कौन से टाइम पे अपलोड करना है, ये भी आपको अभी बताने वाला हूँ। तो अभी चलते हैं एनालिटिक्स पे। एनालिटिक्स में आते ही आपको देखने को मिलेगा योर चैनल है 7181 व्यूज ऑन लास्ट 28 डेज। तो यहाँ से आप काउंट करो, 7181 में मेरा एस्टिमेटेड रेवेन्यू आया है ₹13.54। मतलब आपको 7000 व्यूज में ₹13 ही मिले हैं सिर्फ, वो भी 28 डेज में। अगर मैं ये आपको लाइफ टाइम दिखाऊं, लाइफ टाइम का अर्निंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ₹165.92। ये मेरा टोटल यूट्यूब का अर्निंग है, वो भी 1 लाख व्यूज में आया है। मतलब 1,02,683 व्यूज में यू विल रिसीव ₹165 ओनली। तो अभी हम जाते हैं कंटेंट पे। कंटेंट पे आप देख सकते हो यहाँ पे कौन से कंटेंट पे कितने व्यूज आए हैं। तो मेरा हाईली रैंक कंटेंट है ये वाला, पहला वाला गाना, दिस इज़ ए म्यूजिक चैनल, एंड शॉर्ट्स फीड से मेरा पूरा आया है। तो आप देख सकते हो शॉर्ट्स अपलोड करने का टाइमिंग होता है वो काफ़ी सही है, इसीलिए वो 91.1% है। आप ट्राई करो, ये वाला वैल्यू आपका 85-95% तक आना चाहिए। अगर आपका नहीं आ रहा है तो आपका शॉर्ट्स में या तो गड़बड़ है या तो आपको टाइम पे अपलोड नहीं कर रहे। ऑडियंस में अगर हम देखें तो लास्ट 28 डेज का फिल्टर लगा लेते हैं हम। देखो, रिटर्निंग व्यूअर्स 4 ही है आउट ऑफ 6.8K, एंड दिस इज़ ओनली बिकॉज मैं एक्टिव नहीं हूँ एंड कंसिस्टेंट नहीं हूँ। तो कंसिस्टेंसी इज द की फॉर दिस। एंड आप देख सकते हो कौन से लोकेशन से ज़्यादा व्यूज आया है, राइट? एंड फिर नॉन सब्सक्राइब्ड एंड सब्सक्राइब रेशियो, ये भी पैरामीटर आपके चैनल के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। अगर आप एक नया यूट्यूबर हो तो ये समझने का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नॉट सब्सक्राइबर्स मतलब आपका वीडियोज देख जो रहे हैं वो आपका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो परसेंटेज 93.6 है। इसको आपको कम करना है और सब्सक्राइब रेशियो को बढ़ाना है। उसके बाद एज और जेंडर इतना मैटर नहीं करता, ये अगर आप स्किप भी करो तो कोई इशू नहीं है इसमें। अब रेवेन्यू देखते हैं हम लोग। तो फेब में ऑनगोइंग में मुझे ₹13 आया है, मतलब ₹13 फेब में ही आए हैं मुझे। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है हाउ यू मेक मनी। तो हाउ यू मेक मनी मतलब कहाँ कहाँ से आपका पैसा आ रहा है। देखो, जो एड्स देख रहे हैं वहाँ से मुझे ₹10 आए हैं, जो शॉर्ट्स फीड्स है एड्स है वहाँ पे ₹3 आया है, जो YouTube प्रीमियम के लोग हैं उनसे मुझे ₹0.17 आया है। तो टॉप अर्निंग कंटेंट आप देख सकते हो कौन सा है। तो बहुत ही इनिशियल फेज में मैं आपको ये चैनल दिखाना चाहता था बिकॉज कोई आपको ये चीज़ नहीं दिखाने वाला है। आपको जितना भी यूट्यूबर्स मिलेगा वो आपको अपने चैनल का रिव्यू नहीं करने वाला है,
यहाँ पे मैंने प्योरली दिखा है कि कौन सा वीडियो में कितना पैसे आया है एंड कितना पैसा आपका बनता है यूट्यूब में से। इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो आपको यूट्यूब में आना है या वीडियो नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब खराब है, बहुत कम पैसा देता है व्यूज़ के लिए, बट आपका कंटेंट अगर बहुत ज़्यादा अच्छा होगा तो आपको व्यूज़ ज़्यादा मिलेगा और आपका रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा होगा। तो अभी हम देखते हैं अर्न पे। तो आपका जब मोनेटाइजेशन हो जाएगा तब आपका चैनल कुछ ऐसा दिखेगा। आपका पहले यहाँ पे दिखेगा वेज टू अर्न, आपको वॉच पेज एड से अर्न होगा, फिर शॉर्ट फीड्स एड से अर्न होगा, और फिर सुपर मतलब सुपर चैट एंड ऑल। फिर उसके बाद यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, इसमें आपका एडसेंस अकाउंट कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद गेटिंग पेड नॉट रेडी फॉर पेमेंट, ये इसलिए शो कर रहा है बिकॉज आपका यूट्यूब में जब $10 हो जाएगा, मतलब 800 रुपीज़ के आसपास आपका अर्निंग हो जाएगा, तब आपका यूट्यूब का जो मोनेटाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। जो पेमेंट आएगा आपको वो स्टार्ट हो जाएगा। वॉच पेज एड्स में ये वाले ऑप्शन आते हैं, फिर शॉर्ट्स फीड्स एड्स में ये वाला ऑप्शन आता है। ये काफ़ी नया फीचर है यूट्यूब का, ये नया आया है, इसके पहले ये नहीं था। तो ये फरवरी में ही इंट्रोड्यूस हुआ है और इसीलिए मैंने ये चैनल फिर से एक्टिव किया ताकि आपको दिखा सकूँ, इतना तक ला सकूँ। उसके बाद सुपर चैट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और सुपर चैट के लिए डायरेक्टली ही एलिजिबल हो जाता है आफ्टर योर मोनेटाइजेशन। तो ये सब चेंजेस आपको एक चैनल में देखने को मिलते हैं व्हेन यू आर अ न्यू यूट्यूबर एंड व्हेन योर चैनल इज न्यू टू मोनेटाइजेशन। तो दोस्तों, आपने देखा एक चैनल में मोनेटाइजेशन के बाद कितने चेंजेस आ जाते हैं और कितने व्यूज में आपको कितने पैसे मिलते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही कंटेंट के लिए बने रहिए लहर का साथ। लाइक कर दे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर चैनल में आप नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, डू शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।